विंटर में हमारी स्किन हो काफ़ी ज़्यादा डल और ड्राई लगने लगती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कच्चा दूध यूज़ किया है। कच्चा दूध ही एक नेचुरल क्लींजर का काम करता है एंड ये हमारी स्किन से डस्ट और पॉल्यूशन को बाहर निकालता है। उसके बाद टू एक्सफोलिएट माई फेस मैंने यहाँ पे स्क्रब बनाया है जिसमें राइस फ्लोर और हनी को मिक्स किया है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा सा दिखेगा एंड इसको अप्लाई किया है ऑन माई फेस और हल्के हाथों से इसको रब करना स्टार्ट कर दिया है। फिर 5 मिनट्स के बाद मैंने अपना फेस वॉश कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सैंडलवुड पाउडर, ऑरेंज पिल पाउडर और बेसन को ऐड किया है कच्चे दूध में। ये कुछ ऐसा सा कंसिस्टेंसी में दिखने लगेगा और ये पैक को मैंने अप्लाई किया है 10 मिनट तक। और उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया एंड कुमकुम आदि ऑयल को अपने फेस पे अच्छे से मसाज किया।